हेलो फ्रेंड, टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो है इप्सन का L3110 प्रिंटर में बहुत सारा लाइनें आ रहे हैं, मतलब शेड आ रहे हैं। और दोस्तों, मेरा जो प्रिंटर इप्सन का जो L3110 प्रिंटर है, इस प्रिंटर में दोस्तों नीचे से बहुत सारा इंक आ रहा है, मतलब ओवर इंक हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों 100% सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आपके पास कोई भी इप्सन का प्रिंटर है तो दोस्तों आपके लिए इस वीडियो है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को पूरे देखिए। दोस्तों, हम आपको मेरा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैंने एक कॉपी किया, कॉपी करके हम आपको दिखाते हैं मेरा जो प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपके पास भी इप्सन का प्रिंटर है, दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों पूरे जरूर देखें, तो आपके भी कोई ना कोई हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो का भी स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। दोस्तों, मैं हूँ शुभंकर आपके साथ, और दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल चैनल। दोस्तों, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं जो मेरा अभी प्रिंट आया है, देखिए बहुत सारा लाइनें आ रहे हैं, ठीक है, लिखा ठीक से नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो प्रिंट क्वालिटी है, देखिए दोस्तों लिखा नहीं आ रहे, बहुत सारा लाइनें आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों पूरी वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं, मेरा जो प्रिंटर का मॉडल है L3110 प्रिंटर का मॉडल है इप्सन का, ठीक है। मतलब इप्सन का हर प्रिंटर में एक ही सिस्टम है। आप देख सकते हैं दोस्तों, राइट साइड में बहुत सारा इंक आ रहा है। तो इस ढक्कन को आपको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं, इधर एक स्क्रू है, इस स्क्रू को आपको सबसे पहले खोलना पड़ेगा। दोस्तों तो दोस्तों इस स्क्रू को पहले खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, पीछे में दोस्तों खींचना पड़ेगा, ठीक है, पीछे में दोस्तों खींचना पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं खुल गया है अभी। तो इसको खोलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, जो इंक का जो ओस्टेज पैड है, इस ओस्टेज पैड को आपको खोलना पड़ेगा। दोस्तों इसमें डस्टबिन बोलते हैं। तो दोस्तों देखिए, नीचे में जो स्क्रू है, सिर्फ वो स्क्रू आपको खोलना पड़ेगा। स्क्रू को खोलने के बाद दोस्तों पीछे में दोस्तों आपको खींचना पड़ेगा। दोस्तों देख सकते हैं, जो इंक है, मेरा अभी इंक पैड में इंक फुल हो गया है। तो दोस्तों इसलिए मेरा अभी लाइनें आ रहे हैं, प्रिंट क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। और दोस्तों देखिए, मेरा प्रिंटर में इंक ओवर इंक हो रहा है। दोस्तों चले, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, दोस्तों सिंपल सा बात है। दोस्तों हर इंक को आपको डस्टबिन में फेंक देना है। फेंक देने के बाद दोस्तों देखिए, एक तुला को आपको इधर तुला लगा देना है। दोस्तों ज़्यादा रेड नहीं, दोस्तों 5 रुपया में आपको इस तुला आपको मिल जाएगा कोई मेडिसिन शॉप, कोई दुकान में। दोस्तों इस तुला को आपको इधर भर देना है, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों, इस तुला को आपको इधर सिंपल सा लगा देना है। देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह फुल नहीं करना है, फुल करने से आपको इंक नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों 50% तुला आपको दे देना है, इधर 50% के आसपास देना है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी आपको करना क्या है दोस्तों, अभी दोस्तों इस ओस्टेज पैड को आपको सिंपल सा प्रिंटर में लगा देना है, और प्रिंटर में आपको हेड क्लीन भी करना है, ठीक है, मतलब प्रिंटर को क्लीन भी करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको इस ढक्कन को प्रिंटर में फिर से जैसे था ऐसे आपको सेम टू सेम लगा देना है। दोस्तों देख सकते हैं, आराम से दोस्तों लगा देना है, जैसे था ऐसे आपको लगा देना है सिंपल सा। तो दोस्तों हम अभी लगा देते हैं सिंपल सा, दोस्तों जैसे था ऐसे हम अभी लगा देते हैं सिंपल सा। दोस्तों इस इंक पैड आपको 6 मंथ बाद आपको लगा देना है, ठीक है, मतलब आप 2 बार इंक यूज़ करें उसके बाद आपको इस ओस्टेज पैड को आपको सर्विस करना है। मतलब सिंपल सा बात है दोस्तों, ज़्यादा तो रेट नहीं लगेगा, 5 रुपया में आपको तुला लगा के आपको तुला को लगा देना है ओस्टेज पैड में, मतलब ओस्टेज पैड में आपको तुला को रिप्लेस करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने अभी ओस्टेज पैड को सर्विस हो गया है। दोस्तों इस सर्विस को आपको टाइम टू टाइम ही करना है, मतलब 6 महीने, 4-5 महीने, 6 महीने में एक बार आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपको प्रिंटर में नीचे से काली आएगा और काली ओवर हो जाएगा, और दोस्तों आपको प्रिंटर में दूसरा कोई भी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। मेरा प्रिंटर में दोस्तों देखिए बहुत सारा लाइनें आ रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम होगा, और प्रिंटर के अंदर दोस्तों इंक आएगा तो आपका प्रिंटर भी डैमेज हो सकता है। दोस्तों चलिए, मेरा अभी इंक पैड सर्विस हो गया, तो हम आपको बता दिया, मतलब 6 महीने अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैंने अभी रेड लाइट जो स्विच है, उस स्विच हमने अभी 5 सेकेंड प्रेस करके रखा,
दोस्तों इस स्विच को आपको 5 सेकंड प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए पावर, मेरा जो ऑन ऑफ स्विच है ऑटोमेटिक ब्लिंक हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे आपको 2 से 3 मिनट होगा, उसके बाद दोस्तों आपको हेड क्लीन हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ा सा वीडियो काट दिया है, तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा अभी हेड क्लीन भी हो गया। तो हम आपको दिखा देते हैं कैसा मेरा अभी पिंट आ रहा है। तो दोस्तों हम अभी अभी दिखा देते हैं मेरा जो पिंट क्वालिटी है, ठीक हुआ है और नहीं ठीक हुआ, दिखा देते आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो पिंट क्वालिटी हो रहा है, पिंट तो ठीक ठाक बहुत ही अच्छा आ रहा है। मेरा जो प्रॉब्लम था दोस्तों, बहुत सारा लाइनें आ रहे प्रॉब्लम था, और इंक ओवर इंक का जो प्रॉब्लम था, हर प्रॉब्लम मेरा अभी सॉल्व हो गया। दोस्तों आपके भी पास भी कोई इप्सन का प्रिंटर है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो दोस्तों आप भी ऐसी तरफ से प्रिंटर को सर्विस कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, आप मेरे चैनल में नए हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।